नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जेक्वेरी के बारे में। जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट का जो हमें कोड करना है हमारे प्रोजेक्ट में उसे सिंप्लीफाइड वे तरीके से हम लोग जेक्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। जेक्वेरी बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है और जैसे कि जेक्वेरी का खुद का टैगलाइन है राइट लेस डू मोर, वैसे ही वो काम करता है। आपको जो भी अचीव करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आपको अगर कुछ भी करना है, ऐड क्लास, कलर चेंज करना है, कुछ HTML के साथ मैनिपुलेशन करना है, तो आप वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बंच ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जेक्वेरी की मदद से आप वो बंच ऑफ कोड एक लाइन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जेक्वेरी बिल्ड करने के पीछे सबसे मेन रीज़न यही था, जो कि जेक्वेरी के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट से काम अपना बहुत ही लेंदी हो जाता है अपना कोड, तो उसे कंबाइन करके ऐसे सिंटैक्स में बदल दिया है जो कि आप इजीली एक लाइन से आप अचीव कर सकते हो। आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आपको जेक्वेरी सीखना है? तो आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जेक्वेरी का बहुत सारी चीज़ें डोम मैनिपुलेशन पे ही चलती है। डोम यानी कि आपका जो HTML एलिमेंट्स वगैरह है उस पर ही चलती है। सेकेंड, आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नॉलेज ना हो तो चलेगा, लेकिन CSS में सिलेक्टर क्लासेस कौन सा प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो हम लोग सपोज करिए जेक्वेरी से अगर एक खत प्रॉपर्टी देते हैं तो उसका क्या यूज़ होगा, वो पता होना चाहिए। थर्ड, आपको जावास्क्रिप्ट मस्ट पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट लूपिंग, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक अगर कंसेप्ट पता हो तो बहुत अच्छा है। आपको जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट नहीं पता है तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके मेरा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। तो जेक्वेरी में क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल मिलती है? जेक्वेरी से आप HTML डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, CSS मैनिपुलेट कर सकते हो, HTML के इवेंट जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक, ऑन ब्लर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो जेक्वेरी से। तो एक जो भी आपका ड्रॉप डाउन है आप स्लाइड डाउन कर सकते हो, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एजैक्स रिक्वेस्ट भी आप जेक्वेरी के थ्रू कर सकते हो। सो जेक्वेरी इंस्टॉल करने के लिए आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो आप jQuery.com पे जाके उनकी जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड कर सकते हो और आपके स्क्रिप्ट फोल्डर में रख के आपको उसे अटैच कर सकते हो। या सेकेंड तरीका ये है कि CDNJS पे जाइए, आप सर्च करिए jQuery, आपको एक URL मिलेगा CDN नेटवर्क का URL, वो आप CDN नेटवर्क का URL आपके स्क्रिप्ट टैग में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉल करते हैं jQuery हमारे प्रोजेक्ट में। तो एक फोल्डर मैंने यहाँ पर बना लिया है। सो दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट मैं देता हूँ। मैं यहाँ पे एटॉम यूज़ कर रहा हूँ विद एटॉम लाइव सर्वर, जिससे कि मुझे हॉट रिलोडिंग स्टफ मिल जाता है। यहाँ पे हॉट रिलोडिंग स्टफ यानी कि जब भी आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको जब जैसे सेव करोगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिलोड कर देगा। सो इस तरीके से काम करता है एटॉम का लाइव सर्वर, आप भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, आप कहीं पे भी डाल सकते हो उसे, हेड में भी डाल सकते हो, स्क्रिप्ट SRC बना दो, उसमें डाल दो यहाँ पे, और आप यहाँ पे बॉडी में भी, वो बॉडी जस्ट क्लोज होता है वहाँ पे भी डाल सकते हो। सो दोस्तों, बॉडी क्लोजिंग के जस्ट ऊपर डालने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जब आप स्क्रिप्ट डालोगे तो आपका जो पेज लोड है वो पेज लोड रुकेगा नहीं, उसके वजह से आपका अगर स्क्रिप्ट में कुछ एरर आता है या फिर वो लोड नहीं हो रही है तो इसके वजह से आपका पूरा का पूरा जो HTML का कोड है वो वहाँ का वहाँ रुकेगा तब तक जब तक कि आपका jQuery लोड नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ main.js, जिसमें मैं मेरा ज़्यादातर जो भी jQuery का हमें काम करना है वो मैं इस फाइल में रखूँगा। तो वो फाइल मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। उस फाइल में क्या क्या करेंगे वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। सो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो दोस्तों, अगले वीडियो में चेकआउट करते हैं jQuery का सिंटैक्स क्या होता है। तब तक के लिए लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशंस आ सके। थैंक यू।